हाजिर हूँ मैं आज आपके रिक्वेस्टेड वीडियो लेके। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमें फेस्टिव लुक चाहिए, फेस्टिव सीजन आने वाला है, करवा चौथ, नवरात्रे, जो भी आने वाला है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरा फेस्टिव लुक कि कैसे आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, जो भी हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके मेरे इस मेकअप लुक से। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने फेस वॉश यहाँ पे कर लिया है, मैंने टोनर लगा लिया है। टोनर लगाने के बाद ओपन पोर की मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अगर आपको ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो आप प्राइमर लगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारी ही चीज़ों का, प्राइमर का भी और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगा लिया है और आज मैं लगाने जा रही हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। मैंने पॉन्ड्स का बीबी क्रीम मंगवाया है और आज देखते हैं कि बीबी क्रीम कैसा मैजिक करता है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आई थी कि बीबी क्रीम कैसा है हमें बताइएगा। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ही यूज करने जा रही हूँ, तो देखते हैं। इस तरीके से मैं अपने फेस पे लगा लूँगी और सिर्फ इसी के साथ आज हम मेकअप करने वाले हैं। कोई फाउंडेशन, कोई कंसीलर का यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको फाउंडेशन या कंसीलर बजट में चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डॉट 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 करके लगाऊँगी। आप चाहें तो फिंगर के साथ भी इसको मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करेंगे तो काफ़ी टाइम तक और अच्छे तरीके से टिका रहेगा आपके फेस पे, काफ़ी अच्छे तरीके से टिकेगा और अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। ये नहीं लगेगा कि आपने कोई मोटी सी मेकअप की लेयर लगा रखी है। तो इतने में ही मेरा काम चल गया है यहाँ पे। अगर आपके फेस पे मतलब कि डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल के निशान वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप दोबारा फिर से हल्का सा बेबी क्रीम लेंगे और उसको वहाँ पे लगा लेंगे। तो आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे ना, उतना अच्छा आपका जो कलर है, जो फाउंडेशन है, जो बेबी क्रीम है आपकी, वो अच्छे से लग जाएगी, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी आपके फेस पे, ठीक है ना। तो जो ये ब्यूटी ब्लेंडर का मैंने यूज़ किया, इसको मैंने पहले भिगो के रख दिया है, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए अभी हम आईब्रो बना लेते हैं। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सुगर ब्रांड का ये वाला जो आईब्रो पेंसिल है, मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि आपने थोड़ा सा फेंक सा या फिर ओवरलोड जो होता है ना, कई बार लड़कियाँ लगा लेती हैं, तो बिल्कुल सिंपल नेचुरल जो लुक होता है आपके आईब्रो का, वही लुक आने वाला है इसको लगाने से। और ये स्मच प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ तो नहीं है लेकिन स्मच प्रूफ है, और हाँ काफ़ी 5 या 6 घंटे निकाल देगी ये आपको बड़े आराम से जब आप इसको लगाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि नेचुरल लुक मिलना चाहिए, क्योंकि जितना नेचुरल लुक रहेगा उतना ज़्यादा यंग आप दिखेंगे और अच्छे आप दिखेंगे। और इसके साथ में ब्रश भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर सिर्फ आप की आईब्रो अच्छी हैं और सिर्फ ब्रश के साथ थोड़ी सी आईब्रो भी सेट कर लेंगे ना तो भी चलेगा। फेस पे मेन काम होता है आईब्रो का, अगर आपके आईब्रो सेट हैं तो यह आपका पूरा मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और फिर मैं यहाँ पे यूज करूँगी, क्या यूज करने जा रही हूँ मुझे भी कई बार याद नहीं रहता। तो यह आईब्रो को शेप देने के लिए मैं यहाँ पे हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो वाला पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मेकअप को ना बिल्कुल सिंपल रखना चाह रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, और जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यह इस तरीके से मैं थोड़ा सा हल्का सा शेप दे रही हूँ, पाउडर लगा रही हूँ मैं हल्का सा, ताकि इसकी हमारी आईब्रो की जो शेप है वो अच्छी सी निखर के बाहर आए। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा लिया है और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड भी कर लूँगी, एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको हटा लूँगी। फिर मैं यही पाउडर लेके अपने फेस पे, हमने जो बीबी क्रीम लगाई थी ना उसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है ना। आप इसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके स्पंज के साथ लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश के साथ लगाएंगे तो वो क्या है, उससे आपके जो पोर हैं वो वैसे के वैसे विजिबल दिखाई देंगे, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे वो थोड़े से कवर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप फेस पर लगाते हैं तो गर्दन को भी मत भूलिएगा, गर्दन पर भी आपको अच्छे से लगा लेना है। अब मैं यहाँ पर करूँगी अपना आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए ये जो पैलेट मैंने लिया है ये काफ़ी अच्छा है, सारे न्यूड कलर हैं और मुझे न्यूड कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब कि ज़्यादा पिंकी शिंकी या फिर रेड वेड कलर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं आई लिड पे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का लगा रही हूँ, ब्लैक नहीं एक्चुअली ये थोड़ा सा हल्का सा पर्पल भी मिक्स है इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है, क्योंकि हमारी जो साड़ी है वो थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी क्या 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 बोले जा रही हूँ, वो ब्लैक कलर की है और
इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी आईज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है आई शेडो। अब मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ, और मस्कारा जब आप इस मस्कारा को ट्राई करते हैं ना, तो आपके लैसेज ऐसे लगेंगे जैसे कि आपने आर्टिफिशियल लगा रखे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गंदे वाले नहीं, मतलब कि वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी, लैस की जो वॉल्यूम है बालों की वो बढ़ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने आई लैशेज लगाए हुए हैं। फिर लोअर लैसेज पर मैं लगा लूँगी, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा आई मेकअप कंप्लीट। ओके, ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है ना। और मेकअप भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, मतलब अपना तो काम चले ही जाता है ना। तो आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं जब आप इस मस्कारे को लगाते हैं, देखो है ना, काफ़ी अच्छा लुक आया ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर यूज करूँगी मेबलिन का, ये मैंने अभी फ़िलहाल ही ये जो कलर है ये मंगवाया है, ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है मुझे। मतलब कि यार पता नहीं क्या, पहले मुझे थोड़े डार्क से कलर पसंद आते थे, अभी मुझे न्यूड कलर ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। लेकिन ये भी हल्की सी न्यूड कलर का ही है, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं है, और काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है लिपस्टिक का। और जो ये लिपस्टिक है ये 24 घंटे आपके लिप्स पे यों की यों टिकी रहेगी, वाकई में सच में। और मुझे ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसका जो ब्रश दिया गया है ना, उसको लगाने के बाद आपको कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है अपने लिप्स को, ठीक है ना। तो अच्छे से मैं यहाँ पे लगा लूँगी लिपस्टिक, और ये ऑलमोस्ट हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है हल्का सा। अब मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊँगी। जो आई शेडो पैलेट है ना, इसमें आपको ग्लिटर भी मिलता है, शेडो भी मिलता है, और ब्लश भी मिलता है। ओके, जो ये ब्रश आप देख रहे हैं ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इसकी भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ लोकल मार्केट शॉपिंग। तो अच्छे से आपको ब्लश लगाना है, जैसे आपने लिपस्टिक लगाई है ना हल्का उसी कलर का अगर आप ब्लश लगा दें तो आप ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, और आपके जो गाल हैं वो भी काफ़ी अच्छे भरे भरे दिखेंगे। मैं यानी यहाँ पे बार बार लगा रही हूँ, बताए क्यों, क्योंकि यार उसे ना लग ही नहीं रहा था। ओके, तो यहाँ पे लग चुका है। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं फेस के, वहाँ वहाँ पर हम हाइलाइटर लगाएंगे। तो कैसी लग रही हूँ मैं, तो खुद को तो अच्छी लग रही हूँ यार, हाँ अच्छी लग रही हूँ। तो नोज पे लगा लूँगी मैं, लिप्स के ऊपर लगा लूँगी मैं, चिन पे लगा लूँगी मैं, और हल्का सा आप चाहें तो अपनी आईब्रो के नीचे भी आप लगा सकते हैं। तो या ये देखिएगा है ना, अभी मैं मिलती हूँ आपको साड़ी के साथ। ये है मेरा फाइनल लुक, हल्की सी मैंने बिंदी लगा ली है, काजल से ही लगाई है मैंने बिंदी, सिंदूर लगा लिया है, और ये मेकअप लुक है। और मुझे ऐसे वैसे स्टाइल कम ही मारने आते हैं, लेकिन जैसे भी हैं मुझे अपना मेकअप लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पसंद आ रहा है। तो या और हाँ, जो ये साड़ी है ना ये मैंने अमेजोन से मंगवाई है, और ब्लाउज भी मैंने अमेजोन से मंगवाया है। आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, काफ़ी अच्छी है, और 700 रुपये में इतनी अच्छी साड़ी आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। और जो ब्लाउज का प्राइस है वो है 400 रुपये। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे दोनों चीज़ें, और ये मेरा फाइनल लुक है। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर 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 बताइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फेस्टिव सीजन में आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिल जाऊंगी फिर ऐसी अच्छी सी वीडियो में, बाय बाय।